इस साल अगस्त में 3 फिल्मों की सीक्वल रिलीज हो रही है, गदर 2, ओएमजी 2 और ड्रीम गर्ल 2। ये तीनों ही फिल्में ऐसी हैं जिनका पहले पार्ट ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्मेंस दी और लोगों के दिल जीते। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ये 3 अपकमिंग सीक्वल्स बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि अब तक ऐसी कई फिल्में हैं जिनके पहले पार्ट ने तो लोगों के दिलों को जीता मगर सीक्वल फ्लॉप साबित हुए। आइए जानते हैं वो कौन कौन सी फिल्में हैं। सबसे पहले बात करते हैं इमरान हाशमी की फिल्म जन्नत के बारे में। हॉट सिजलिंग सीन्स और एग्जॉटिक सॉन्ग्स ने ऑडियंस की जुबान पर ऐसा कब्जा जमाया कि इसका जवाब इसके सीक्वल से कभी नहीं मिला। उसके बाद बात करते हैं अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म भूतनाथ की। भूत और बच्चे के साथ बेहतरीन पार्टनरशिप से ये फिल्म सीधे लोगों के दिलों में उतर गई, लेकिन हो सकता है कि सीक्वल के लिए उम्मीदें बहुत ज्यादा हो गई हों जिससे सभी को निराशा हुई। इसके बाद नंबर आता है देओल्स फैमिली की फिल्म यमला पगला दीवाना की। देओल परिवार की वापसी ने ऑडियंस को बेचैन कर दिया, लेकिन इसके सीक्वल के साथ वैसा नहीं हुआ और पार्ट 2 को उतना प्यार नहीं मिला। गैंग्स ऑफ वासेपुर भारतीय गांव की पृष्ठभूमि पर बनी ये फिल्म काफी आगे तक गई और दर्शकों का मनोरंजन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सीक्वल किसी तरह अच्छा नहीं चला और ऑडियंस की उम्मीदों पर पानी फिर गया। सिंघम एक बार फिर एक्शन फिल्म होने के बावजूद ये ऑडियंस की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। उसी सिंघम हीरो के साथ करीना कपूर स्टारर ये सीक्वल के तौर पर खास नाम नहीं कर पाई। रेस के बाद रेस 2 आई और मेन रोल में जैकलिन फर्नांडिस, जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण शामिल थे, लेकिन फिल्म एक्शन थ्रिलर होने के बावजूद प्रीक्वल की तरह दर्शकों को लुभाने में नाकाम रही। पहले पार्ट में अट्रैक्टिव सॉन्ग्स के साथ वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई की बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई, लेकिन अक्षय कुमार और सोनाक्षी स्टारर इसका सीक्वल आने के बाद उम्मीदों पर पानी फिर गया। दर्शकों को गुदगुदाने से लेकर बेहतरीन क्रिएटिविटी तक ये फिल्म हिस्ट्री की बेस्ट कॉमेडी बन गई, लेकिन सीक्वल में उन्हीं मजाक और एलिमेंट्स के साथ सामने आया जिसे ऑडियंस ने पसंद नहीं किया और ये फिल्म थी हाउसफुल। ऐसी तमाम एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया टीवी शोबिज़।